अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आज जो हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। आज हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स या तो लेते हैं या फिर देते हैं। ठीक, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक, अब जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी कि इसके पहले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। और अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो जो 17वें ग्रुप में है एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कुछ इस तरह है। इसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब हमें पता है कि सोडियम के लास्ट शेल, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के जो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2, 2p6, यानी कि पहले शेल में भी 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में जो है 7 हैं। ठीक है, अब आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देता है? क्लोरीन को। ठीक है, जब वो क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्लोरीन का आखिरी जो शेल है वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेने से 8, यानी कि स्टेबल कौन सा रूल बन गया? ऑक्टेट रूल। और अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के सेकंड लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देने से, यानी कि अपने आखिरी शेल में से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को देता है, तो क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और तकरीबन हमेशा मेटल्स, यानी कि जो धात है और वो नॉन मेटल्स, गैर धात को इलेक्ट्रॉन्स देती हैं। ये थी एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं कि एक एग्जाम्पल।